हेलो बच्चों, नमस्कार। यदि आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं और आपको पेमेंट प्रॉब्लम करने में दिक्कत हो रही है, यदि आपने पेमेंट कर दिया है और आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो आप किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो नंबर दिया गया है कांटेक्ट करने के लिए, उसका मैं आज आपको लाइव प्रूफ देने वाला हूँ कि आप अपने पेमेंट को कैसे कम्प्लीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे आप इसे तो लॉगिन फ्रेंड्स, करें, जैसे जी ही आप वहाँ पे यूज़र आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड यानी DOB डाल के, कैप्चा डाल के आप एंटर करेंगे, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आवेदन शुल्क 500-400 रुपये आपको पे करना है। और यहाँ पे यह भी बताया जा रहा है कि यदि आपने पेमेंट कर दिया है, तो अगर आपका पेमेंट खाते से कट गया है लेकिन आपका पेमेंट यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ है, तो आपको 24 घंटे का वेट कर लेना है। 24 घंटे के अंदर आपका पेमेंट सेटलमेंट कर लिया जाएगा या फिर आपको न्यू ऑप्शन दिया जाएगा पेमेंट करने का, और वो जो पेमेंट है वो आपके खाते में वापस या तो भेज दिया जाएगा या तो सेटलमेंट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर पे पर क्लिक करने के लिए आपको पे वाले बटन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, ऑप्शंस ऑन हो गया है। नीचे मैं आपको ये पूरा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक इंटरनेट बैंकिंग और एक UPI में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे और भीम UPI। ये सभी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। नीचे आपको लिखा होगा या तो आप UPI ID के थ्रू पेमेंट किए या फिर आप UPI के QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं नीचे सबसे ज़्यादा यहाँ पे UPI ID डाल देता हूँ और यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे ग्रीन टिक दिया है। ग्रीन टिक मतलब आपका UPI ID सही है, आपके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा। अब उसके बाद से क्या करना है कि आपको पे नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। होने के बाद से आपको ये ऑप्शंस मिल जाएगा, फ़ोटो अपलोड करने का, सिग्नेचर अपलोड करने का और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी तरीके से UPI का आपको पेमेंट हो चुका है। लेकिन जिनका पेमेंट यदि फंस जाता है, वो क्या करेंगे, वो तो बहुत परेशान होंगे। 24 घंटा बहुत लंबा टाइम होता है, तो उनके लिए एक नंबर जनरेट किया गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कि आपका यदि पेमेंट फंस जाता है तो आप क्या करेंगे। चलिए ले चलते हैं, आपको पेमेंट नंबर दिखाते हैं। देखने को मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर टेक्निकल हेल्पलाइन में, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास इस प्रकार का नंबर जनरेट हो जाता है। एक यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप नंबर जनरेट होता है और एक यहाँ ईमेल के थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो टाइमिंग दी गई है वो 10 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक आप कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपका पेमेंट फंस गया है, ट्रांजैक्शन नंबर के साथ, उसके बाद से किसके साथ हैं और जो आपको प्रॉब्लम है, यानी आपके खाते से पेमेंट कट चुका है लेकिन यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, आगे का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको ये भी दिया गया, फ्रिक्वेंटली आस्क में बताया गया है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, यदि आपका पेमेंट कट चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर, पेमेंट इज़ डेबिटेड फ्रॉम अकाउंट बट नॉट सक्सीडेड, व्हाट आई शुड, अब क्या करें। तो यहाँ पे दिया गया आफ्टर 24 आवर्स का आपको वेट करना है और पेमेंट स्टेज एंड चेक, और आपको अपना पेमेंट स्टेज चेक करते रहना है क्योंकि वहाँ से भी आपको सक्सेस मिल सकता है, आपको आगे की ओर अग्रसर किया जा सकता है या फिर आपको उस पेमेंट को कैंसिल करके वो पेमेंट आपको वापस दिया जाएगा और आपको न्यू ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट करने का। यहाँ पे ये इसका कहने का मतलब है। तो आपको 24 आवर्स का वेट करते रहना है जब तक आपका पेमेंट कंप्लीट ना हो। आई होप, आशा करते हैं कि ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।